हेलो गाइस, आज की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको लहंगे की सिलाई लगाना सिखाएंगे साइड से। लहंगा दोस्तों हमारा पूरा बना हुआ होता है रेडीमेड, लेकिन हम साइड से सिलाई लगाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होती है सही तरीका क्या होता है लहंगे की सिलाई लगाने का। तो दोस्तों सही तरीका क्या है सारा कुछ दोस्तों हमने वीडियो में डिटेल में बता रखा है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छे से पूरा वॉच करेंगे तो आप एक ही बार में ही सीख जाएंगे। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को अलाउ कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। आइए दोस्तों वीडियो करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। इसी तरह सिलाई से रिलेटेड वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। जैसे कि दोस्तों ये हमारा लहंगा है, ठीक है, रेडीमेड दोस्तों ये लहंगा है हमारा, फिनिशिंग से सारा कुछ बना हुआ है, लेकिन हमारा ये साइड से जो रेडीमेड लहंगा होता है वो साइड से ओपन होता है। तो ओपन लहंगे को दोस्तों किस तरीके से हम बंद करते हैं, साइड से सिलते हैं, सही तरीका क्या है दोस्तों, मैं वो आपको सिखाने वाला हूं। नॉर्मली दोस्तों ये हमारा एक साइड से बंद होता है, दोनों अस्तर और मेन कपड़ा दोस्तों हमारा बंद होता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अस्तर और मेन कपड़ा आपको दोस्तों खोल लेना है इस तरीके से। दोस्तों आपको हाथ से ही खोल लेना है क्योंकि कच्ची सिलाई इसमें लगी होती है, तो नॉर्मली दोस्तों हमारा खुल जाता है। अब यहाँ से दोस्तों हमारा बॉर्डर है, तो बॉर्डर को भी दोस्तों आपको 2 से 2.5 इंच तक खोल लेना है, ठीक है, यानी कि बॉर्डर को भी अलग कर देना है। फिनिशिंग से दोस्तों इस तरीके से आपको खोलना है। अगर दोस्तों आपका हाथ से नहीं खुलता है तो आप कैंची की मदद से भी खोल सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको 2 से 2.5 इंच तक लेस को भी हटा देना है खोल के, ठीक है। अस्तर और कपड़ा दोनों एकदम अच्छे से फिनिशिंग से आपको खोलने हैं। अब एक तरफ हमने खोल दिया, दूसरी तरफ भी दोस्तों इसी तरीके से आपको खोल लेना है। इसमें दोस्त हमारी कच्ची सिलाई होती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हाथ से भी नॉर्मली खोल सकते हैं। अगर आपका नहीं खुले तो आप कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से भी दोस्तों हमने क्या करा, ये बॉर्डर को भी दोस्तों 2 से 2.5 इंच तक हमने हटा दिया दोनों तरफ से, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको खोल लेना है नॉर्मली। अब क्या करेंगे दोस्तों, आपको इसको उल्टा करना है। जैसे हमारा ये कपड़ा है इसको एक जैसा आपको सीधा करना है। अब इसको इस तरीके से उल्टा कर लेना है, यानी कि दोस्तों आपको कपड़ा अंदर की तरफ कर लेना है, अस्तर बाहर की तरफ इस तरीके से क्या करना है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जैसे सही तरीका क्या होता है दोस्तों, खोलने के बाद ही हम लहंगा जॉइंट करते हैं, ठीक है। अब सही तरीका क्या है, जैसे हमारा ये अस्तर और कपड़ा दोनों अलग हो गए हैं। अब जैसे हमारे ये फिनिशिंग से जुड़ा हुआ पूरा लहंगा, जैसे हमने अस्तर और ये अलग कर लिया, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, ये हमारा फिनिशिंग से, ये हमारी जो कली है वो फिनिशिंग से जुड़ी हुई है, ठीक है, एकदम बराबर से ही जुड़ी है। इस तरीके से आपको कर लेना है। अब दोस्तों इसको करना है दोनों बराबर से, ठीक है। कपड़ा मेन जो है दोस्तों वो आपको बराबर से ही करना है, जैसे हमारी जो कली इसमें अटैच है वो फिनिशिंग से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब दोस्तों हमारे जब लहंगा जुड़ता है, ये कढ़ाई जो है दोस्तों वो आपस में एक दूसरे के मिलके आनी चाहिए, ठीक है, फिनिशिंग से जुड़ के आनी चाहिए कली हमारी। ऐसा ना लगे कि हमारा अलग से ही लहंगा जुड़ा हुआ है। हम जब जोड़ते हैं तो दोस्तों हम सारा कुछ फिनिशिंग से देखते हैं। जैसे ये जो हमारी कढ़ाई है इसको बराबर से इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। जैसे हमारी ये कढ़ाई पूरी जुड़ी हुई है ना, तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से मिल के आ रही है मैचिंग खा के। तो इसी तरीके से ही दोस्तों आपको यहाँ पर अटैच करनी है सिलाई। ये जो कढ़ाई है दोस्तों इस तरीके से आपको देखना है कि बराबर से आनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से बराबर से आएगी तो फिनिशिंग से क्या करना है, इसी तरीके से कढ़ाई आपको बराबर से रखते हुए एकदम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से मिलाएंगे इसी तरीके से, और आपको सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरीके से करते हुए फिनिशिंग से आपको सिलाई लगा लेनी है। मैंने दोस्तों आपको सिखा दिया, यानी कि समझा दिया, अब आपको सिलाई लगाना सिखाते हैं। नॉर्मली दोस्तों जैसे मैंने आपको सिखाया उसी तरीके से ही क्या करना है, आपको कढ़ाई टू कढ़ाई इस तरीके से आपको रखना है, यानी कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई इस तरीके से फिनिशिंग से रखनी है, और दोस्तों आपको सिलाई इसमें लगानी है। इसमें दोस्तों हमारे स्टोन वगैरह भी होते हैं, मोती वगैरह भी लगे होते हैं, तो आपको दोस्तों ध्यान से ही सिलाई लगानी है जो हमारी सुई ना टूटे। इस तरीके से दोस्तों आपको सिलाई शुरुआत करनी है, और कढ़ाई से कढ़ाई जो हमारी कढ़ाई बुनी हुई है, पॉइंट जो बने हुए हैं उसको इस तरीके से अच्छे से मिलाते हुए आपको सिलाई लगानी है। और आपको दोस्तों ध्यान रखना है कहीं हमारे मोती पे ना चढ़े। इस तरीके से दोस्तों आपको कढ़ाई से कढ़ाई मिलाते हुए पूरी में सिलाई लगानी है। और दोस्तों क्या करना है, इसमें अगर आपके मोती भी लगे हों लहंगों में, तो जहाँ पर आपकी सिलाई चलती है उस जगह से दोस्तों आप हटा दें, ठीक है। यहाँ पर भी दोस्तों जैसे हमारे पॉइंट बने हुए हैं, यानी कि जो भी कढ़ाई है वो आपस में इस तरीके से आपको मिलानी है फिनिशिंग से, ठीक है। और जो आपकी कढ़ाई है कढ़ाई के बराबर से ही मिलाते हुए आपको सिलाई लगानी है, और सिलाई भी दोस्तों जो आपको लगानी है वो कढ़ाई के बराबर तक ही लगाएं, ठीक है। बहुत आसान होता है लहंगा जोड़ना, इसलिए दोस्तों हम लहंगा ये जोड़ते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम नॉर्मली अस्तर के साथ ही अटैच कर देते हैं, लेकिन वो हमारा गलत तरीका होता है, ठीक है। जैसे मैं सिखा रहा हूँ वो सही तरीका है लहंगा जोड़ने का। इससे क्या होता है दोस्तों, जब हम पहनते हैं तो इसका एकदम फॉल अच्छे से बन के आती है, पूरा लहंगा अच्छे से घूमता है। अगर दोस्तों आप अस्तर और कपड़ा दोनों एक साथ ही अटैच करते हैं तो दोस्तों क्या होता है, हमारा लहंगा एक तरफ के लिए भागता है, क्योंकि जो हमारा अस्तर होता है अंदर का वो घूम नहीं पाता सही से, और बाहर का भी लहंगा अच्छे से घूम नहीं पाता। तो इसलिए दोस्तों क्या होता है, हम जब अस्तर और कपड़ा एक साथ में जोड़ते हैं तो हमारा लहंगा जो है फिनिशिंग से नहीं जुड़ता। अब जैसे यहाँ से नीचे भी दोस्तों जो हमारी लहरिया बनी हुई है, इसमें फूल पत्ती जो भी बनी है वो अच्छे से आपको मिलानी है इस तरीके से, और फिनिशिंग से आपको अटैच करना है, ठीक है। एकदम कढ़ाई के बराबर से ही आपको सिलाई लगानी है। अगर दोस्तों आपको मोती वगैरह हैं तो इसमें क्या करना है, आपको हटा लेने हैं, जहाँ पर आपकी सिलाई आएगी उस जगह से दोस्तों आपको हटा देने मोती।
मोती हटाकर ही आप सिलाई लगाएं क्योंकि दोस्तों आपकी सुई ना टूटे। इस तरीके से दोस्तों फिनिशिंग से करते हुए आपको सिलाई लगानी है। और नीचे भी दोस्तों आप आ जाएंगे तो पाइपिंग से पाइपिंग या बॉर्डर से बॉर्डर इस तरीके से आपको मिलाकर ही सिलाई लगानी है, ठीक है। आपको फिनिशिंग से ही सिलाई लगानी है जिससे कि जो हमारा लहंगा जुड़ गया है एकदम परफेक्ट जुड़ गया है और हमें भी पता भी नहीं चले किसी को भी कि हमारा लहंगा किस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये काफ़ी आसान तरीका होता है दोस्तों हमारा सिलाई लगाने का, लहंगा जोड़ने का, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप पक्का भी कर देंगे फिनिशिंग से, ठीक है, जिससे कि हमारी सिलाई ना खुले। धागे वगैरह आपको काट देने, जैसे हमारा ये अटैच हो गया पूरा एकदम फिनिशिंग से जुड़ के आया, देखो बॉर्डर वगैरह एकदम फिनिशिंग से अटैच होकर आया। यहाँ पर दोस्तों हमारा मार्जिन है, इसको क्या करेंगे एक तरफ करते हुए दोस्तों फिनिशिंग से आपको इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है, जिससे कि दोस्तों जो हमारा मार्जिन है वो अच्छे से दब जाएगा और हमारा दिखेगा नहीं, बेकार नहीं लगेगा दिखने में, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको सिलाई लगा देनी, धागे वगैरह आपको कटिंग कर देने फिनिशिंग से। ये दोस्तों हमने अटैच कर दिया, देखो बराबर से एकदम अटैच हुआ है। आप काउंटर पर चलते हैं आपको दिखाते हैं। नॉर्मली दोस्तों ये हमने सिलाई लगाई है, ठीक है, अभी अटैच जो करके दिखाया वो ये सिलाई है दोस्तों, ठीक है। हमने दोस्तों ये फिनिशिंग लगाया सिलाई, अब इसे करते हैं सीधा। सीधा करने के बाद दोस्तों आपको दिखाते हैं, जैसे कि दोस्तों ये हमने अटैच कर रखा है, ठीक है, यहाँ से आपको खोल के दिखाया था वही सिलाई दोस्तों हमने अटैच करी है। ये बॉर्डर से बॉर्डर एकदम फिनिशिंग से मिल के आया हमारा, ठीक है, एकदम बराबर से ही जो है हमारे पॉइंट टू पॉइंट एकदम अच्छे से मिल के आए हैं। ये दोस्तों इस तरीके से जोड़ते हैं तो काफ़ी फिनिशिंग आती है लहंगे में और हमारी अच्छे से भी जुड़ जाती है। अगर दोस्तों आप अस्तर के साथ में अटैच करते हो तो ऐसी फिनिशिंग नहीं आती, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, अस्तर किस तरीके से अटैच करेंगे वो मैं आपको सिखा देता हूँ। नॉर्मली दोस्तों इस तरीके से आपको उल्टा करने के बाद क्या करना है, जो हमारा मैन कपड़ा है ना लहंगे का, उसको अस्तर के बराबर से इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। मिलाने के बाद जहाँ पर आपका जोड़ है वहीं पर दोस्तों उतना ही बीच में आपको मिलाना है, मिलाने के बाद निशान लगा लेना है। उसके बाद दूसरे तरफ भी दोस्तों आपको इस तरीके से जहाँ तक आपका जोड़ है उसी जगह तक दोस्तों इस तरीके से आपको अस्तर मिलाना है कपड़े के बराबर तक और आपको जोड़ निशान लगा देना है, ठीक है। निशान लगाने के बाद दोस्तों क्या करना है, आपको उल्टा कर लेना है इस तरीके से, दोबारा से कपड़ा सारा वो अंदर की तरफ कर देना है आपको फिनिशिंग से, और जो निशान दूसरी तरफ लगाया और दूसरे पल्ले पर लगाया दोनों निशान इस तरीके से क्या करना है दोस्तों, आपको आपस में मिलाने हैं, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको मिलाने हैं आपस में, जिससे कि हमारा आगे पीछे अस्तर अटैच ना हो, एकदम फिनिशिंग से ही अटैच होकर आए। अब इस तरीके से मिलाते हुए क्या करेंगे दोस्तों, कैन है जो हमारी नीचे की तरफ, उसको दोनों को आपस में इस तरीके से मिलाने के बाद आपको इसमें लगानी है सिलाई। अब सिलाई लगाना भी दोस्तों आपको सिखा देते हैं। नॉर्मली दोस्तों क्या करेंगे, इस तरीके से आपको आपस में मिलाना है, ठीक है। निशान एकदम फिनिशिंग से आपस में मिलाते हुए इसमें हम लगा देंगे सिलाई, ठीक है। नॉर्मली दोस्तों इस तरीके से लहंगा वगैरह काफ़ी भारी होता है तो मशीन पे एडजस्ट करके अच्छे से फिनिशिंग से ही आपको सिलाई लगानी है, ठीक है। एकदम बराबर से ही करते हुए आपको अस्तर और सिलाई लगा लेनी है फिनिशिंग से। अगर दोस्तों हमारी सिलाई से रिलेटेड वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर दोस्तों हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों मैंने डिटेल में सिखा रखा है कि ब्लाउज की कटिंग कैसे करें आर्मोल और शोल्डर की, 31 से 45 चेस्ट के हिसाब से दोस्तों हमने आपको सिखा रखा है आर्मोल और शोल्डर की कटिंग कैसे करें। अगर आपको ब्लाउज की कटिंग सीखनी हो, ब्लाउज से रिलेटेड वीडियो देखनी हो तो दोस्तों हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, या फिर दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, फिनिशिंग से सिलाई लगा देनी है। अब सिलाई लगाने के बाद दोस्तों हमारी सिलाई लगी, कैन के ऊपर भी एकदम फिनिशिंग से हमने सिलाई लगा दी है। अब दोस्तों जो हमारा मार्जिन है वो एक तरफ करते हुए इस तरीके से आपको एक तरफ करना है और इसके ऊपर भी दोस्तों आपको सिलाई लगा देनी है, क्योंकि दोस्तों जो हमारी कैन है वो भारी होती है काफ़ी, तो दोस्तों इधर उधर ना भागे जोड़ की तरफ से। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको सिलाई लगा के उसे एडजस्ट कर देना है, यानी कि अटैच कर देना है, जिससे कि हमारी कैन एक तरफ नहीं भागेगी। इस तरीके से दोस्तों हमारी ये सिलाई लग गई, अब इसे करेंगे सीधा, ठीक है। फिनिशिंग से इस तरीके से आपको सीधा करना है, जैसे कि दोस्तों हम काउंटर पे आ गए हैं, काउंटर पे दोस्तों इसे सीधा करके फिर आपको आगे का सिखाते हैं। नॉर्मली दोस्तों इस तरीके से आपको सीधा करना है फिनिशिंग से, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारा ऊपर का बॉर्डर है उसे अटैच करना आपको सिखाते हैं। जैसे कि दोस्तों ये हमारा बॉर्डर है, ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, आपको नीचे का जो अस्तर है, ठीक है, उसको क्या करेंगे इस तरीके से, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है यानी कि जितना भी एक्स्ट्रा बॉर्डर है आपको, उसको अंदर की तरफ इस तरीके से आपको फिनिशिंग से कर देना है। आप बॉर्डर को कटिंग ना करें, एकदम जितना भी आपका बॉर्डर है उसको दोस्तों अंदर की तरफ ही एडजस्ट करना है। अगर दोस्तों आपको बॉर्डर दिक्कत करता है अंदर की तरफ तो दोस्तों और भी सिलाई खोल सकते हैं। इस तरीके से फिनिशिंग से आपको नेफा बनाना है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से फिनिशिंग से रखते हुए आपको फिनिशिंग से इसके ऊपर दोस्तों बराबर से ही अटैच करना है। अस्तर की तरफ भी दोस्तों आपको नीचे की तरफ से भी बराबर से रखना है और ऊपर की तरफ से भी बराबर से रखते हुए आपको इसके ऊपर दोनों तरफ लगानी है सिलाई और आपका नेफा भी ओपन हो जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। नॉर्मली क्या करेंगे दोस्तों, अस्तर की तरफ से भी बराबर से ही रखते हुए आपको सिलाई लगानी नहीं है, ठीक है। इसमें दोस्तों हमने सिलाई लगा दी है फिनिशिंग से, ठीक है, एकदम बराबर से, और हमारा नेपा भी ओपन हो गया इस जगह से, ठीक है। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी, अस्तर की तरफ से भी इस तरीके से फिनिशिंग से सिलाई लगा दी है।
ये तरीका काफ़ी आसान होता है दोस्तों हमारा लहंगा अटैच करने का। जब दोस्तों हम पहनते हैं तो अस्तर भी हमारा अलग रहता है और मेन कपड़ा भी अलग रहता है। तो दोस्तों क्या होता है, फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है लहंगे की पहनने के बाद, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको सिखा दिया लहंगा अटैच करना बहुत ही आसान तरीके से। अगर दोस्तों आपको सीखना हो कि लहंगे के ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे करें, और दोस्तों हमारे लहंगे के ब्लाउज में काफ़ी ज़्यादा कढ़ाई ब्रॉड होती है तो उसकी ब्रॉड किस तरीके से कम करी जाती है, तो दोस्तों वो वीडियो हमने स्पेशली एक बना रखी है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर दोस्तों एक वीडियो हम और बनाने वाले हैं काफ़ी आसान तरीके से सिखाने वाले हैं, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो, जब भी हम वीडियो डालेंगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको जरूर मिल जाएगी। सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।